हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह टॉपिक 10th के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो विद्यार्थी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उस सब छात्रों के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी तुम लोगों को आज से देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब समझ में आ जाएगा तब हम बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। ठीक है, तो पहला काम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है उसको समझने का। तो ध्यान से सुनिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो। कितना चर हो? दो चर उपस्थित हो तथा उपस्थित चर का घात कितना हो? एक हो। वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो तथा उपस्थित चर का घात एक हो क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है एक बार फिर से सुनिए। वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो तथा उपस्थित चर का घात एक हो क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे में हम तीन उदाहरण लिखे हैं, 3x, पहला उदाहरण है 3x + 4y = 7, दूसरा उदाहरण है 4x + 3y = 9, तीसरा उदाहरण है 2x + y = -7। पहला उदाहरण को गौर से देखो। यह एक समीकरण है। यह क्या है? समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब दो अज्ञात राशियों के बीच बराबर का संबंध होता है तो उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यह समीकरण है। इस समीकरण को गौर से देखिएगा तो पता चलता है इसमें दो चर उपस्थित है, x और y दो चर उपस्थित है कि नहीं, और दोनों चर का घात जिसको पावर बोलते हैं वह एक है ना। गौर से देखिए, दोनों चर का घात कितना है? एक है ना। एक को लिखा नहीं जाता इसलिए हम भी नहीं लिखे थे, एक को हटा देते हैं। तो यह जो दोनों चर है वह रैखिक है। दोनों चर का पावर क्या है? रैखिक है कि नहीं है, अर्थात उसका पावर एक दिया हुआ है और यह दो चर उपस्थित है इस समीकरण में, इसलिए इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, नंबर दूसरा उदाहरण इसका 4x + 3y = 9। इस उदाहरण में भी देखिए यह पहले समीकरण है कि नहीं है, तो यह समीकरण है क्योंकि बराबर का संबंध है। और यहां भी देखिए इसमें भी दो चर उपस्थित है, दोनों चर का पावर एक है, यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। तीसरा उदाहरण भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही है। तो बच्चों स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर है कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले की समीकरण होने के लिए एक समीकरण होना चाहिए जिसमें जो चर उपस्थित रहेगा उस चर का है ना, उस जिसमें दो चर रहेगा और उपस्थित चर का पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए यहां से यहां तक वही लिखा हुआ जो पहला टॉपिक है कि नहीं है। यहां से वहां तक वही लिखा हुआ है जो पहला टॉपिक है, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण है और टॉपिक था पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण और यह टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए युग्म एक शब्द आया यहाँ पर। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। दो के रूप में रहेगा अर्थात जोड़ा के रूप में रहेगा तो उसे हम लोग है ना युग्म बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हो अर्थात जोड़ा के रूप में हो, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि है ना दो को दिया होगा, दो को समीकरण लिखा होगा और दोनों समीकरण है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। दो चर वाले समीकरण समझ में आ गया? उसके बाद का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको समझने के लिए पहले इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तो इसको अभी हम समझा है, क्लियर है ना। और यह जो टॉपिक है यह समझ में आएगा तो यह भी समझ में आ ही गया। अब भैया कैसे? तो देखिए यहां से यहां तक तो वही बात है, सिर्फ इसमें युग्म लगा हुआ है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा।
अर्थात जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना जोड़ा के रूप में दिया रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा, देखिए है ना ए में लिए है दो को समीकरण लिखे हैं, पहला समीकरण है 2x + 3y = 8, इस समीकरण पहला है, और दूसरा समीकरण है 4x + 5y = 7, यह समीकरण क्या हो गया दूसरा हो गया। तो देखिए यह जो पहला समीकरण है वह रैखिक समीकरण ही है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दूसरा समीकरण भी है वह दो चर में ही अर्थात दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है, लेकिन दोनों को है ना लिखा गया है एक साथ ही, ऐसे ऊपर नीचे इसको लिखे हैं चाहे अगल बगल लिख सकते हैं, यह दोनों को है ना जब एक जगह पर लिखा गया है एन नंबर करके लिखे हैं तो यह जो समीकरण हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, अर्थात दो को समीकरण होगा, दो को समीकरण का है ना युग्म जो होता है वही दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। दूसरा जो उदाहरण बी नंबर लिए हैं इसको भी गौर से देखिए, यह भी है ना पहला जो है ना इस समीकरण है वह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, और दूसरा भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है, और दोनों को है ना एक जगह पे लिख दिए हैं, दोनों को साथ लिखे हैं, इससे यह युग्म हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कंप्लीट है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई बच्चा आपसे है ना पूछ देगा चाहे कोई टीचर ही पूछ देगा कि बताइए क्या 3x + 4y = 8 या दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो कहिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यह समीकरण है इसमें दो चर उपस्थित है और इसका पावर है ना चर का पावर एक दिया हुआ है। लेकिन आपसे पूछेगा क्या हम एक समीकरण यहाँ पे लिख दिए और इसको क्या रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं, युग्म बोलेंगे तो कहिएगा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि युग्म होने के लिए दो को चर समीकरण होना चाहिए, लेकिन किंतु यहाँ पर है ना एक ही समीकरण दिया हुआ है, यह दो चर रैखिक समीकरण युग्म नहीं हुआ लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। तो देखिए आज का जो टॉपिक था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें पहला टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है उसको समझा है, इसका दूसरा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है उसको समझा है, ठीक है। फिर इसके बाद है ना आगे हम बता रहे हैं।